पोस्टमैन आता है, लेटर देता है। पोस्टमैन आता है, लेटर देता है। आपके बंधु ने आपके लिए पत्र भेजा है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता था, कोई अलग लैंग्वेज में है, तो वो थोड़ा पोस्टमैन पढ़ के सुना देता है। तो किसकी याद आती है? बंधु की याद आती है, जिसने लेटर भेजा। तो आज पोस्टमैन आपके सामने बैठा है, रमेश भाई। ऐसे नहीं कि रमेश भाई सिर्फ बाबा की बातें, बाबा ने जो अनुभव कराया वो अनुभव, और आपकी लेटर लेके दूसरी जगह भी पहुंचा देगा। ठीक है, लिखने के लिए तैयार हो? लेटर कौन सी लेटर? अनुभव की। तो अनुभव सबसे बड़ी सौगात है, ये सौगात सबको बांटनी है। ठीक है, देखो देखो भाई कैसे खिसक रहे, सबकी चेहरा बड़ा हुआ। अरे मत देखो, कंट्रोल करो थोड़ा अपने ऊपर। तो जीवन में समृद्ध बनने के लिए शक्ति फिर से मांगो। देखो पहले देखना, कोई पीछे से आगे आगे बढ़ते हैं फटाफट ऐसे। ये जरूरी है, आप सोचो ये आप करना भी नहीं चाहते हो, लेकिन क्या है? आदत। कोई दिल से नहीं चाहता है कि मैं दूसरों को देखूं, देखना है, लेकिन क्यों? आदत। तो आदत को बदल लिया नहीं, फरिश्ता बनना या नहीं, आगे बढ़ना या नहीं, बाबा को प्रत्यक्ष करना या नहीं, करना या नहीं, तपस्या करना या नहीं, तो कौन सी तपस्या करोगे? एक घंटा, एक जगह, एक संकल्प, एक समय। क्या बोला? देखिए, मैं पिछली बार सुना के गया था शायद, कि कैसे मैंने 21 दिन, 11 दिन, 7 दिन, 51 दिन बार बार तपस्या करने के बाद यह अनुभव हुआ था कृष्णा स्वरूप, जो आज विश्व भर में जाके सबको सुनाता हूं। पहले जब मैं अभ्यास करता था 93 में मधुबन में, कि मेरा सुख सुसरी रोड के गिरा, वहां बैठ के सकाश दे रहा, इससे भी बहुत फायदा हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा, हजार गुना नहीं लाखों गुना, जब हम अपने नए स्वरूप को बनाएंगे और उसको भेज देंगे कहीं भी, किसी के पास, किसी को कितना दर्द हो रहा हो, किसी को कोई मुसीबत तकलीफ में, या किसी को कोई चीज प्राप्त करनी है, या मुझे स्वयं को प्राप्त करनी है, अपने फरिश्ते स्वरूप भेज दो, प्रकृति के लिए, ग्रह नक्षत्र के लिए, सीरियस। ये फरिश्ता स्वरूप भेज के आप अनेक प्रकार की लाभ ले सकते हो, और जल्दी, बहुत लेट नहीं, तुरंत भेजा काम होगा। जिन्होंने ये 3 दिन से पूरा अभ्यास किए हैं, योग में भी अमृत वाला भी सब कुछ, और इसके बाद जो ये अभ्यास करेंगे, आपके लिए बहुत एक उपहार के रूप में, सौगात के रूप में, आपके जीवन में सदा के लिए समा जाएगा। फिर आने वाले समय पे जो कयामत का नजारा आ रहा है, विनाश का समय आ चुका है, कब, कहां, कैसे, किस तरीके से घटना घटेगी, किसी को पता है? नहीं। देखो नहीं है, ये सब बात करो। बाबा कहते हैं रोना धोना छोड़ो, अब तो खुशी में रहना, बीत गया, बीता सो बीता, अब जिंदगी लगानी है, आगे बढ़ना है। तो ये फरिश्ता स्वरूप की अभ्यास जो आपने सुना, उसको 1 घंटा बैठ के आपको करना है, करोगे? सिद्धि स्वरूप बनने के लिए 1 घंटा आपको करना है, 24 घंटे में 1 घंटा करना है। क्या बोल रहा हूं? बोली गई लाइन पर माता जी, सीधा आगे बढ़ी माता जी, 24 घंटे में क्या करना है? 24 घंटे में 1 घंटा करना है, लेकिन एक ही जगह करना है,
लेकिन आप सोच लो, 7 दिन हो सकता है, 11 दिन हो सकता है, 21 दिन हो सकता है। अगर 21 दिन नहीं होता तो 51 दिन करो, 51 दिन नहीं होता 101 दिन करो, 101 दिन नहीं तो 501 दिन करो। बढ़ाना है या कम करना है? सोच लो आप की सिचुएशन के अनुसार। आप ऑफिस जाते हो, आप बिजनेस करते हो, या और कोई काम है आपका, जो भी आपकी पास स्थिति है, जो आप सेवा करते हो, जो आप कर्म क्षेत्र में हो, 24 घंटे में 1 घंटा। फिर भी बाद में पूछेंगे भाई सर हम अमृत वाला कर ले 4 से 5। अच्छा शाम को नमाज शाम के समय कर ले। अरे कोई भी टाइम आप ले लो, 24 घंटे में 1 घंटा रोज फिक्स होनी चाहिए। लेकिन संकल्प की ओरा में प्रतिबंध आपको अपने आप को बांधना है कि मुझे 7 दिन करना है, मुझे 11 दिन करना है, मुझे 21 दिन करना है, या मुझे 51 दिन करना है, या 101 दिन करना है, या 501 दिन करना है। एक माता जी का मैं रोज सुनाता हूं, और जब भी आते थे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, उनकी पति देव उनके लिए विघ्न रूप बन जाते थे। क्यों जा रहे हो वहां, सन्यासी बनना है क्या? लड़ाई झगड़ा रोज चलती थी, लेकिन माता जी ने संकल्प लिया ये भट्टी करने की बात कि मुझे पूरे साल भर कहीं तो जाती नहीं हूं, कहीं जाना भी नहीं, एक जगह पर बैठ के तपस्या करनी है। क्या करनी है? मुस्कुरा कर लो। क्या करनी है? क्या करनी है? क्या करनी है? बोलो बोलो बोलो। उन्होंने बार बार संकल्प दिया, ज्यादा चुना, स्थान चुन लिया और टाइम भी चुना, निश्चित किया। अगर 4 से 5 आज किया तो कल भी, कल भी। अगर आज 10 से 11 किया कल भी। बाबा ने कहा है सहज राजयोग, इतना सहज ना बना ले जैसे मैंने कहा था योग में तो इधर बैठे। अच्छा ये घड़ी कहां से आ होगा? मधुबन से आई है। हां ये ट्यूब में जो लाल पॉलिथीन लगाया प्लास्टिक, ये हमारे घर में तो लगाए। अच्छा बाबा की आने पड़ गई ऐसे ना तन हिलेगा ना मन हिलेगा, तन हिल गया तो मन हिल गया। इसीलिए तन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। सामने बाबा का तस्वीर हो, सबके घर में बाबा का फोटो है या नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी होना चाहिए। अगर हो तो बहुत अच्छा। बाबा की आंखों से आंखें मिलाते हुए या ज्योतिबिंदु श्री बाबा को देखते हुए पूरे 21 दिन योग करना है। आने वाले समय पर आपकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकलने वाला है, आपकी आंखों से सुख शांति आनंद पवित्रता की किरणें निकलकर अनेक आत्माओं की दुख दर्द को मिटाने वाले। तो अगर हलचल करोगे तो क्या होगा? निकलेगी। जब बायोस्कोप चलती है स्क्रीन पर, अगर वो ऐसे ऐसे वैसे हिलेगा तो पिक्चर ठीक से दिखाई देगा? टीवी में अगर ऐसे ऐसे होगा, वो जो लाइट आती है वो चलेगा, पिक्चर दिखेगा? आप किताब पढ़ते हो, एक लाइट ऐसे ऐसे हिल रहा है, दिखेगा? तो हमारी संकल्प की ओरा जब हिल जाता है तो हमें सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ के इतिहास में आप देखिए, दादी दीदियों ने 14 साल तपस्या किया, किया नहीं? हिस्ट्री हॉल में बाबा ने कितनी तपस्या करने की बात ही दादी दीदियों को भेजा सेवा के क्षेत्र में। जब कोई व्यक्ति जाता है पहले पहलवान बनने के लिए, जब तक तैयार नहीं है कुश्ती लड़ने के लिए जा सकता है? पहले तैयार तो हो जाओ, साल भर उसको खिलाते पिलाते हैं। तो हम तपस्वी मूर्त आत्मा पहले राज्यों की आने वाले क्रामन के समय का अनेक आत्माओं को प्रकृति को संतुलित रखने के लिए, उनको शांति शक्ति देने के लिए अपने आप को तैयार करें। करेंगे करेंगे तपस्या? हाँ जी। थोड़ा मुस्कुरा के बोलो। हाँ जी, यह मुस्कुराने की भट्टी है। क्या है? जनी मुस्कुराहट हमारे लिए एक बंदूक है, एक अस्त्र है, एक तलवार है। ज्ञान माना समझ, समझ माना तलवार। बाबा जी कहते हैं ज्ञान तलवार है। ज्ञान समझ में आ गया जो हो रहा है?
बोलो ना बढ़िया। अच्छा हो रहा है कॉलिंग जरूरत नहीं उसको बढ़िया उसका है जो हो रहा है उठाओ बच्ची हाथ नहीं उठा रहा जो हो रहा है जो होने वाला है जो हो गया किसी ने पीछे से धक्का मार दिया रास्ते में चल रहे थे बेल ने धक्का मार दिया सफेद ड्रेस पूरा चमकीले ड्रेस पहन के जा रहे थे लेकिन गाड़ी गई नाले में था पीला पानी सफेद ड्रेस पीला हो गया दूसरा ड्राइवर ने मुंह मार करके नाक मिनट की चुहे की तरह करना है हरिष्ठ की तरह रहना कोई बात वो अपना पार्ट कर जाएगा बदला नहीं लेना समझ लो आपकी पड़ोसी आपको तंग कर रहा है क्या करोगे नहीं थोड़ा तो गुस्सा कम आता ना क्या पता है अरे मैं सामना करता हूं आपको थोड़ी पता है अगर बाबा के बच्चे हो तो बाबा से शक्ति लो उनको किरने दो आंखों से और सुधारने के लिए दूसरी बात है कि 21 दिन की तपस्या 7 दिन की तपस्या 11 दिन की अपने आप वो परिवर्तन होगा अगर परिवर्तन नहीं होगा तो अपने आप दूर हो जाएगा लेकिन आप क्रोध करके या नफरत करके अपने संस्कार को बिगाड़ के संबंध को बिगाड़ के दुश्मनी बना के समाधान नहीं कर सकते हो आया ना आज तक द्वापर से हमने लड़ाई झगड़ा दुश्मनी करके क्या पाया या खोया सारी शक्तियां नष्ट कर दी अभिभक्त है समय है मुझे तपस्या करनी है मुझे एक जगह एक घंटा एक समय एक संकल्प तो जैसे बाबा ने इतने लंबे समय तपस्या की बात दादी दीदियों को सेवा में भेजा है आने वाले समय पर हमारे कर्मों से हमारी दृष्टि से हमारी बुद्धि से बहुत बड़ी सेवा होने वाली है बहुत बड़ा भाग्य बनने वाला है इसलिए मुझे तपस्या करनी है तो माता जी एक साल तक तपस्या की अपने घर में जिस घर में रोज लड़ाई होती थी एक साल के बाद वो घर घर में ही रहा बाबा का आश्रम बन गया और सच में मैं वहां गया और मैंने देखा मन अनुभव सुनाया अभी 20-25 भाई बहने वहां क्लास करते हैं पति भी परिवर्तन हो गया कैसे आपकी तपस्या से संसार परिवर्तन होगा कौन करेगा बाबा करेगा आप कुछ करना नहीं अगर बाबा को करना था तो बाबा कर देता बाबा के किसी मैदान में ऊपर आकाश में नभ में चमकते ऐसे तारों की तरह किरणें बरस रही है कि बच्चे किरणें पीछे आ जाओ स्वर्ग में हो सकता था या नहीं हो सकता था या नहीं हो सकता था लेकिन उससे आपके भाग्य नहीं बनता वैसे तो होगा अंतिम समय में आएंगे बाबा कहेंगे स्वर्ग परिणाम जाएंगे लेकिन सत्यंग में नहीं आ पाएंगे सत्यंग में वो आएगा जिन्होंने अपने तन मन धन स्वांग संकल्प समय सफल किया हो तपस्या में लगाया पक्का 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 बोल नहीं रहे पक्का 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 तो एक साथ तपस्या की बात अपने घर सेंटर बन गया तो हम सभी मिलकर तपस्या करें संसार स्वर्ग नहीं बनेगा